इधर अंबिकापुर में पुलिस ने एक युवक की पिटाई की। मोबाइल चोरी के शक में युवक को प्रधान आरक्षक ने जमकर पीटा। देवनारायण नेताम पर मारपीट का आरोप लगा है। बस स्टैंड पुलिस चौकी का यह मामला है, जहां पर पुलिस चोर होने के शक में एक शख्स की जमकर पिटाई यहां पर की गई है। प्रधान आरक्षक पर यहां पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक युवक की जमकर पिटाई की है, और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बस स्टैंड पुलिस चौकी का ये मामला है, जहां पर प्रधान आरक्षक ने एक शख्स की जमकर पिटाई की है, और इस शख्स पर आरोप था कि इसने मोबाइल चोरी की है। हालांकि अब ये जो पूरी घटना है ये सामने आई है, अंबिकापुर का मामला है, जहां पर एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई करने का ये मामला है, और इस पूरे मामले में प्रधान आरक्षक पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो बस स्टैंड पुलिस चौकी का ये मामला, जहां पर प्रधान आरक्षक ने यहां पर एक युवक की जमकर पिटाई की है। आरोप लगे हैं कि इस युवक ने मोबाइल चोरी की थी, और मोबाइल चोरी के शक में युवक को जमकर पीटा गया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइएगा। और क्योंकि यहाँ पर युवक की पिटाई का जिस तरीके से हमने वीडियो भी देखा है, काफी बेरहमी से युवक को पीटा गया है। बिल्कुल प्रीता सरुजा, संभाग की बात करें तो लगातार जो पुलिस की बर्बरता है वो सामने आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण बीते दिनों बलरामपुर हुए घटना का है, जहां एक युवक की पिटाई के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। वहीं अब अंबिकापुर से ये घटना सामने आई, जहां एक युवक को बस इस बात के लिए बेरहमी से पिटाई की गई क्योंकि उस पर चोरी का शक था, जिसके बाद उसे बस स्टैंड चौकी पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां पर एक प्रधान आरक्षक और आरक्षक के द्वारा उसे बस इस बात के लिए पीटा गया कि वो ये कबूल ले कि वो चोरी की गई है। पुलिस की पिटाई से उसके शरीर में काफी गहरे चोट के निशाना है। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। जब जो पीड़ित था वो जब कोतवाली थाने पहुंचा तो इस दौरान उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, लगातार नजर बनाए रखिएगा सुमित, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।